हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ यूट्यूब फ्री कोर्स पार्ट टू, जो कि आप सभी को इन तक देखना है। अगर इससे पहले आपने अगर पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब फ्री कोर्स की, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेंगे, उसके बाद आके आप वीडियो टू देखेंगे। और इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ यूट्यूब सक्सेसफुल चैनल एंड पोस्ट, सब कुछ SEO वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट करके आपका चैनल एकदम कंप्लीट कैसे होगा, उसके सारे स्टेप बताने वाला हूँ। सो वीडियो को इन तक देखना। और उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप चैनल स्टार्ट भी कर लेते हो, अगर आपके 50-100 व्यू ही आएंगे तो क्या अर्निंग होगी, तो अगर आपकी डेली की अर्निंग 100 व्यू ही आ रही है तो भी आप 1000 रुपए डेली का अर्न कर सकते हो। लेकिन आपको कंप्लीट मेरा ये फ्री कोर्स वॉच करना है। अब ये सेकंड पार्ट है, जितने भी यहाँ पे वीडियो आएंगे सारी आपको वॉच करनी है। और आपको एक फ्री अर्निंग मतलब कि अर्निंग ट्रिक भी मिलेगी, जिसमें आपको 100 व्यू के 1000 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा आप डेली का कमा लोगे। व्यू का आपको दिक्कत टेंशन लेना ही नहीं है, लेकिन पहले आप रियल तरीके से अपना चैनल कम्प्लीट स्टार्ट करो, जो तरीके मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, अगर आप व्यू के लिए लेकर अब भी टेंशन में हो, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो का अपना व्यू दिखा रहा हूँ और अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे आप 3 जुलाई का देख सकते हो, 2, 4 जुलाई यहाँ पे 0, लगभग यहाँ पे 5 जुलाई का 1 व्यू, 6 जुलाई का 10 व्यू, ऐसे देख रहे हो आप। तो अब यहाँ पर मैं आप सभी को रेवेन्यू इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 4 जुलाई का देख सकते हो, $8, मतलब 8 USDT। ये अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे लगभग 650 रुपये के आसपास। ये 4 जुलाई का, आपने देखा कि 5 व्यू 10 व्यू ऐसे ही थे। तो आप अर्निंग का टेंशन बिल्कुल ना लो, अर्निंग आपको काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, बस आपको वीडियो को इन तक देखना है। चलिए अभी हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज का जो स्टेप है। सो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको स्टेप आता है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, वो है सेलेक्ट नीश, या फिर आप कैटेगरी भी इसे कह सकते हो, या फिर सब्जेक्ट भी कह सकते हो, यानी कि आपके चैनल की कैटेगरी क्या होगी। सबसे पहला स्टेप तो ये है, आपको अपना एक चैनल स्टार्ट करने के लिए कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा कोई कैटेगरी आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना है जो कि आप बाद में उससे रिलेटेड वीडियोज भी अपलोड ना कर पाओ। तो कैटेगरी आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ होती है इंटरेस्ट। और यहाँ पे कैटेगरी में क्या आ जाते हैं, जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी में भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई ट्यूटोरियल है, जैसे फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल हुए, फोटोशॉप ट्यूटोरियल है, एंड वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, ये सब चीज़ें आप ट्यूटोरियल से रिलेटेड चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर अर्निंग से रिलेटेड चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, आप टेक से रिलेटेड चैनल स्टार्ट कर सकते हो, फ़ोन वगैरह के बारे में डिटेल्स दे सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हो, मूवी रिव्यू कर सकते हो, रोस्टिंग का भी चैनल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब किससे रिलेटेड है, कौन कर सकता है, ये चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ। आप व्लॉगिंग कर सकते हो, फूड व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग कर रहे हैं लोग, गेमिंग से चैनल रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हो, एंड लड़कियों के लिए भी, यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी अच्छा है, मेकअप, स्किन केयर, वॉइस भी कर सकते हैं, स्किन केयर आजकल तो चल रहा है, एंड डेकोरेशन वगैरह कर सकते हो, क्राफ्ट, एंड यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड भी चैनल स्टार्ट कर सकते हो, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। ये सारे कैटेगरी हैं जो आप चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ का ध्यान देना है, पहला तो आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चैनल स्टार्ट करेंगे तो बाद में कभी भी आप वहाँ पर वीडियो हमेशा टॉपिक आपको मिलता रहेगा, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट यहाँ पर अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहते हो जिनमें पैसे कमाया जाए या फिर जिनमें पैसे डाले जाएँ, उससे रिलेटेड आपने चैनल स्टार्ट तो कर लिया, दूसरों का देख के स्टार्ट कर लिया, बट आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है बाद में, आप तो बाद में आप वीडियो नहीं डाल पाओगे। या फिर ट्रैवलिंग से हो गया, आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड चैनल स्टार्ट कर दिए और आपको कहीं आना जाना अच्छा ही नहीं लगता, तो फिर इस तरीके से चैनल ना स्टार्ट करो। चैनल पहले आप सोच लो, पहले आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। सेकेंड चीज़ आ जाता है कि चीप एंड ईजी, आप इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी देखो कि वो आपको सस्ता पड़ रहा है और सरल भी है आपके लिए। जैसे कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो हमेशा क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, वो ठीक है, वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो डालने की, बट आपको ट्रैवलिंग का खर्चा भी आएगा और वो आपके लिए
सस्ता नहीं रहेगा, महंगा हो जाएगा, तो कॉस्टली हो जाएगा। ऐसे ये चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है कि वो आपको बनाना ईजी है और सस्ता भी है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्ट में ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि तुरंत ही आपको पैसे नहीं मिलने लगेंगे। पहले आपको पैसे, अगर ऐसा चैनल स्टार्ट करो जिसमें पैसे जा रहे हैं, तो पहले आप ये भी देखो इंटरेस्ट के साथ साथ वो सस्ता भी है और सरल भी है। सेकेंड स्टेप में आपको आता है क्रिएटिंग यूट्यूब चैनल। पहले आप अपना चैनल का नेम, चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यूट्यूब चैनल बनाओगे, ये सेकेंड स्टेप रहेगा। जिसके लिए आपको चाहिए एक ईमेल आईडी चाहिए, एक फ़ोन नंबर चाहिए जो वेरिफिकेशन के लिए होता है, और आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप होना चाहिए वीडियो अपलोड करने के लिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, स्मार्टफोन भी चल जाएगा, जिनके पास लैपटॉप है वो भी स्मार्टफोन से ही कर रहे हैं मतलब। और जिसमें आपको वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चाहिए स्मार्टफोन या लैपटॉप। एंड थर्ड स्टेप यहाँ पे आता है आपको चैनल ब्रांडिंग। आपको अपने चैनल की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। चैनल तो आप बना लोगे, बहुत सारे लोग चैनल बना लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर दिए अपलोड करना, तो वो तो ठीक है, उतना पे भी चल जाएगा, लेकिन चैनल की ब्रांडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे उसमें आपको फर्स्ट है लोगो, चैनल का एक लोगो आपको क्रिएट करना है। पहले चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट करना है नेम, उसके बाद चैनल का एक लोगो आप रेडी करोगे। एंड चैनल आर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चैनल का बैनर बनाओगे आप। एंड थर्ड है वाटरमार्क, ये तीन चीज़ आप ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हो, जिससे कोई भी आपका लोगो देखेगा, जब आप फेमस हो जाते हो आपका चैनल का लोगो देख के वो पहचान जाएगा, उसके मन में आ जाएगा कि ये यूट्यूबर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी फेमस पर्सन का चैनल का नेम कॉपी करेंगे, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके उसी टाइप का लोगो भी अपना तैयार कर लेंगे, तो ये एक गलत चीज़ है। चैनल का लोगो होता है इसलिए कोई लोगो देख के कंपनी का नेम या फिर चैनल का नेम जो भी है उसको जान जाए, ना कि किसी का कॉपी आप उसको अचानक से नज़र जाए तो उस फेमस पर्सन का उसको याद आएगा, ना कि आपके चैनल का नेम याद आएगा, तो ये चीज़ का ध्यान देना। बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं किसी का, एकदम सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके अपना लोगो तैयार कर लेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। बिल्कुल अलग आपको लोगो डालना है, कुछ भी हो, कितना भी सिंपल हो, लेकिन अलग रहे। एंड फोर्थ आता है यहाँ पे अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन, या फिर SEO भी कह सकते हो आप। इसमें आपको क्या है कि चैनल का डिस्क्रिप्शन सेट करना है, चैनल का टैग डालना है जिससे चैनल सर्च में आए, और यहाँ पे मोर यूट्यूब अटैच भी कर सकते हो, जैसे आपको सेकेंड थर्ड और भी यूट्यूब चैनल है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। एंड सोशल अकाउंट अटैच, यूट्यूब में सेकेंड सेटिंग होता है जहाँ पे अपना सोशल अकाउंट डाल सकते हो, अटैच कर दोगे तो वहाँ पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम डायरेक्टली कोई पर्सन लिंक क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पे पहुँच सकता है। ये सारी सेटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैनल बनाना सिखाऊंगा, तो सारे चीज़ करना वहाँ पे भी सिखा दूंगा, लोगो, चैनल आर्ट, वाटरमार्क, ये चीज़ क्या है, इसके अलग से आपको वीडियोज मिल जाएंगी, बट ये टोटल आपको स्टेप बताया जा रहा है क्या करना है आपको। एंड यहाँ पे फिफ्थ आता है आपको टॉपिक रिसर्च। अब चैनल भी बन गया आपका, ब्रांडिंग भी कर ली, लोगो भी कर ली, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन उसके बाद आपको वीडियो के लिए टॉपिक रिसर्च, ये मेन फंक्शन होता है। टॉपिक आपको डेली न्यू सर्च करना है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कैटेगरी से रिलेटेड रहेगा बट उसके बाद भी टॉपिक आपको देखना है। तो उसमें देखो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है। पहला तो टॉपिक मैच विथ कैटेगरी, आपके कैटेगरी से मैच करें टॉपिक जो आप वीडियो डालोगे। सेकेंड मार्केट डिमांड, यानी कि यहाँ पे रिलीवेंस रहे और कंपटीशन आप देखोगे रिलीवेंस। जैसे आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई चैनल बनाया है और आपने NCERT मान लीजिए बुक 1 NCERT का कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी अपडेट है, आज आपने वीडियो बना दी, लेकिन लेटेस्ट यहाँ पे आपने नहीं सर्च किया कि अभी वहाँ पे क्या अपडेट चल रहा है, वो कौन सी बुक नई आई है और वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन अपडेट है, आप पुराने मॉडल्स को ही अभी पढ़ाए जा रहे हो। और मार्केट में कंपटीशन आपको देख के करना है, मतलब दूसरा पर्सन उसका न्यू वर्जन ला दिया है लेकिन आप अभी वही ओल्ड पे ही दिखा रहे हो, या फिर कोई एप्लीकेशन या फिर कोई भी फंक्शन है, जैसे किसी ने सिलाई करना वहाँ पे सिखा रहे हैं तो सिलाई का बहुत ही ओल्ड डिजाइन वो सिखा रहे हैं, और मार्केट में आप और भी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि उसका रिलेवेंस वर्जन है, मतलब अच्छा और अच्छा डिजाइन, तो आप पुराना सिखाओगे वहाँ पे दूसरा नया सिखा रहा है तो उसका ज़्यादा देखा जाएगा। तो ये आपको कंपटीशन भी देखना है, रिलेवेंस रहे, कोई भी टेक्निकल अपडेट आया है, आज कोई अपडेट आया, आज आपने वीडियो बना रहे हो उसका 1 वीक बाद, तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर आपका वीडियो कोई देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अपडेट है तो वो वर्तमान टाइप पे होना चाहिए। सो यहाँ पे ये भी आ जाता है स्टे अप टू डेट। अब यूट्यूब का 6th स्टेप है इक्विपमेंट।
यानी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए अपने वीडियो के लिए, सारा कैटेगरी वगैरह आप रिसर्च कर लोगे, टॉपिक वगैरह आपको किस पे वीडियो बनाना है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा आपके वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये कैटेगरी बेस्ड रहेगा। जैसे जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो नॉर्मल स्किन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो उनके पास एक फ़ोन चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है। बट थोड़ा सा अगर आप व्लॉग वगैरह कर रहे हो, फूड व्लॉग कर रहे हो, लाइफ स्टाइल या फिर यहाँ पे क्राफ्ट वगैरह बना रहे हो, उसमें आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होगी। जैसे माइक चाहिए होगा, अगर आपका फ़ोन का माइक अच्छा नहीं है तो आपको एक माइक चाहिए सस्ता सा, स्टैंड चाहिए आपको, कैमरा चाहिए जिसमें आप कैमरा की जगह स्मार्टफोन अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, एंड थिंग्स यानी कि आपके वीडियो से रिलेटेड चीज़ें चाहिए। जैसे आप कोई भी चीज़ मान लीजिए कुछ बनाना सिखा रहे हो, क्राफ्ट सिखा रहे हो, कागज़ की चीज़ें बनाना सिखा रहे हो, तो आपको कागज़ कैंची ये सारी चीज़ चाहिए, तो ये मतलब हो गया थिंग्स से। तो माइक ऑप्शनल है, कैमरा भी ऑप्शनल है क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहिए और आपके फ़ोन का वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपको माइक चाहिए। और वर्तमान में मैं तो अपने फ़ोन में माइक यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो माइक परचेस किया था उससे अच्छा मेरे फ़ोन का वॉइस आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपका भी फ़ोन अच्छा है तो माइक की भी ज़रूरत नहीं है, स्टैंड भी ऑप्शनल हो सकता है, बट आपके कैटेगरी पे डिपेंड है। उसके बाद 7th नंबर आता है रेगुलरिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो। तो किसी का भी अगर आप चैनल देख सकते हो, अगर वो रेगुलर वीडियो अपलोड करता है तो उसकी वीडियो मतलब सारे वीडियो पे अच्छी व्यू आएंगे। अगर वो एक वीडियो आज अपलोड करता है फिर 2 महीने गैप करके वीडियो अपलोड करेगा तो आज उसके अगर 1000 व्यू आए हैं, अगर 2 महीने बाद वीडियो अपलोड करेगा तो उसके 100 व्यू भी नहीं आएंगे। और ये चीज़ आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हो, बट आपको मैं अभी एक चैनल स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ ये सारे रूल्स फॉलो करके उसमें, और आप उस चैनल को ग्रो होते देख पाओगे। तो रेगुलरिटी इम्पॉर्टेंट है, आप अगर 1 वीक में एक वीडियो डाल रहे हो, 1 वीक में एक वीडियो डाल रहे हो तो रेगुलर आप डालो, हर वीक पे डालो। 2 दिन पे एक वीडियो डाल रहे हो तो हर 2 दिन पे डालो आप, ऐसे नहीं कि आज एक डाला उसके बाद 5 दिन आपने डाला ही नहीं, फिर डाला, फिर महीने भर डाला ही नहीं, तो ये आपका चैनल का रैंक लो हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंड 8th नंबर आ जाता है वीडियो एडिट एंड पोस्ट, सब कुछ आप सर्च कर लोगे उसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि वीडियो आप रिकॉर्ड कर लोगे उसके बाद आपको वीडियो को एडिट करना है 1st नंबर, जिसके लिए आप कुछ एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है काइन मास्टर, अगर आप लैपटॉप वगैरह में कर सकते हो तो उसके लिए मुआवी एडिटर आप यूज कर सकते हो, उसका क्रैक वर्जन भी आपको मिल जाएगा, सबसे रिलेटेड वीडियो आपको अभी नेक्स्ट मिल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड 2nd आता है थंबनेल बनाना पड़ेगा, वो आप थंबनेल एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो का थंबनेल आपको पता ही होगा, जो आप कोई भी वीडियो पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपको एक पिक्चर शो होती है, वो थंबनेल है। एंड वीडियो का टाइटल आपको सेट करना है, वीडियो के लिए आपको टैग फाइंड करना है, जिसके लिए कुछ वेबसाइट्स से आती हैं जिसमें आप अपना टाइटल डालोगे, कीवर्ड डालोगे तो उससे रिलेटेड टैग जनरेट होके आ जाएगी जो आप इंटर कर पाओगे। यूट्यूब का एक खुद का फंक्शन चलता है ट्यूबबडी के रिलेटेड, ट्यूबबडी के नाम से, वो भी आप यूज कर पाओगे, या फिर फ्री में भी कई साइटें आती हैं जो आपको टैग जनरेट करके देंगी, अगर आपको माइंड में अच्छा टैग आता है खुद से तो वो भी आप बना सकते हो। और टैग क्या है, ये सब कैसे आपको डालना है, ये सब की वीडियो मिल जाएंगी। तो फिलहाल अभी आपको इतना ही जानना है कि आपको टैग फाइंड करना है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेट करना है, उसके बाद वीडियो पब्लिक कर देनी है। अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करके चलते हो तो ये गारंटी है कि आपका चैनल ग्रो करेगा और आप अर्निंग कर पाओगी। अगर इतने पर भी अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, चैनल पे अर्निंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आपको ट्रिक मिलेगी, लेकिन फर्स्ट ये सारे स्टेप आपको फॉलो करना है। एंड अगर आपसे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे टेलीग्राम पे आप चैट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। सेफ ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।